वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक निंजा ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिससे हम एनसीईआरटी के टेबल 3.1 एल्गी की डिवीजन एंड उसके कैरेक्टर्स के कोई भी क्वेश्चन को हम 10 से 20 सेकंड के अंदर इजीली कर लेंगे। तो ये हमारी निंजा ट्रिक है, पासफू ट्रिक। यहाँ पे आपको पासफू की स्पेलिंग याद रखनी है, PASFUO, पासफू ट्रिक। सो लेट्स बिगिन। हम टेबल बना लेंगे, उसमें पहले कॉलम में हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, और हम कैरेक्टर्स के नीचे लिखेंगे टॉप टू बॉटम, फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टर वाले कॉलम में पासफू, और उसकी स्पेलिंग हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए, PASFUO, कैरेक्टर वाले कॉलम में टॉप टू बॉटम PASFUO, पासफू पासफू। और कैरेक्टर वाले रो में हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट RBG। अब आप बोलेंगे ये पासफू क्या है, ये RBG क्या है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं उसका एलोबरेट भी करूँगा कि यहाँ पे RBG क्या है, पासफू क्या है। बस हमें जब लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम इतनी चीज़ें लिखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड के अंदर ईजिली हो जाए। कैरेक्टर वाले कॉलम में टॉप टू बॉटम पासफू, कैरेक्टर वाली रो में लेफ्ट टू राइट RBG। जो पासफू है उसका फुल फॉर्म लेके है क्या, पी से पिगमेंटेशन, ए से एसेसरी पिगमेंट, एस से स्टोर्ड फूड मटेरियल, एफ से फ्लैजेला, यू से यूनिसेलुलैरिटी, ओ से आउटर लेयर। मींस कैरेक्टर वाले कॉलम में टॉप टू बॉटम पासफू, और उसका एलिबरेट मैंने कर दिया। और RBG क्या है, आर से रेड अलगी, बी से ब्राउन अलगी, जी से ग्रीन अलगी। अब हमने इसको ग्रीन एलगी को लास्ट में रखा, रेड एलगी को पहले रखा, ये हमने इसलिए रखा ताकि हमारी जो याद करने की ट्रिक हो इजी हो जाए। तो कैरेक्टर वाले कॉलम में टॉप टू बॉटम पासफू, कैरेक्टर वाली रो में लेफ्ट टू राइट RBG, आर हमारा रेड एलगी जो कि रोडोफाइसी है, ब्राउन एलगी यूरोफाइसी, ग्रीन एलगी क्लोरोफाइसी। ये चीज़ याद हो गई। तो लेकिन हमें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उस टाइम हमें पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। और एक कॉलम में लिखेंगे पासफू टॉप टू बॉटम, और ऊपर रो में लिखेंगे लेफ्ट टू राइट RBG। अब पिगमेंटेशन वाली रो में हम लिखेंगे ए ए ए, पिगमेंटेशन वाली रो में हम लिखेंगे ए ए ए। अब यहाँ पे ए क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए है वो सब में कॉमन होता है। फिर हम पिगमेंटेशन वाली ही रो में लिखेंगे राइट टू लेफ्ट BCD, मीन्स पासफू RBG, पिगमेंटेशन वाली रो में आ जाएंगे हम ए ए ए, फिर राइट टू लेफ्ट BCD। नेक्स्ट रो में हम लिखेंगे एसेसरी पिगमेंट में फाइकोबिलिन्स जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे फाइकोबिलिन्स जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स। स्टोर फूड में हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट फॉल्स, फॉल्स हम इस टर्म को याद रखेंगे और इसको हम इस तरह लिखेंगे, फॉल्स में क्या आता है FLS, फॉल्स। तो रेड एलगी में हम लिखेंगे F, ब्राउन एलगी में L, ग्रीन एलगी में S, F से फ्लोरिडियन, L से लेमिलेरिन, S से स्टार्च। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो में, फ्लैजेला वाले रो में आ जाएंगे हम, उसमें हम लिखेंगे क्रॉस टिक टिक। ये क्रॉस टिक टिक क्या है, मीन्स रेड एलगी में फ्लैजेला नहीं होता है, ब्राउन एलगी में होता है और ग्रीन एलगी में भी होता है। यूनिसेलुलैरिटी वाले रो में हम लिखेंगे टिक क्रॉस टिक, टिक क्रॉस टिक, मीन्स रेड एलगी यूनिसेलुलैरिटी शो करती है, ब्राउन एलगी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलैरिटी उनके अंदर नहीं मिलती है, ग्रीन एलगी यूनिसेलुलैरिटी शो करते हैं, यानी मीन्स यूनिसेलुलैरिटी के अंदर हम लिखेंगे टिक क्रॉस टिक। एंड आउटर लेयर वाली रो में हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, अगर एल्जीनिक एसिड मिल जाए तो पेक्टिन को कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे अगर एल्जीनिक एसिड पेक्टिन, मीन्स हम इसको इस तरह याद रखेंगे, अगर एल्जीनिक एसिड मिल जाए तो कोई पेक्टिन को कोई दिक्कत नहीं। तो हम पूरे टेबल को एक बार एक फ्लो में पढ़ते हैं। कैरेक्टर वाले कॉलम में टॉप टू बॉटम पासफू, कैरेक्टर वाली रो में लेफ्ट टू राइट RBG, फिर ए ए ए, बी सी डी, फाइकोबिलिन जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, फॉल्स, क्रॉस टिक टिक, टिक क्रॉस टिक, अगर एल्जीनिक एसिड मिल जाए तो पेक्टिन को कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, पासफू RBG, ए ए ए, बी सी डी, फाइकोबिलिन जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, फॉल्स, क्रॉस टिक टिक, टिक क्रॉस टिक, अगर एल्जीनिक एसिड मिल जाए तो पेक्टिन को कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक से तो आप इस टेबल का कोई भी क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड या उससे कम टाइम में भी आप इजीली कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बट हाँ, आपको टेबल अच्छे से, इसकी ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए और इजीली आप जाएगी। एक बार हम फिर बोलते हैं, पासफू RBG, ए ए ए, बी सी डी, फाइकोबिलिन जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, फॉल्स, क्रॉस टिक टिक, टिक क्रॉस टिक, अगर एल्जीनिक एसिड मिल जाए तो पेक्टिन को कोई दिक्कत नहीं। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं नीट के प्रीवियस क्वेश्चन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स और भी शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।